मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच इजरायली सेना ने शनिवार दावा किया है कि उसने आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट से जुड़े एक कमांडर और चार अन्य आतंकियों को मस्जिद में मार गिराया है। वहीं इजरायली सेना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला रही है, जिसमें ये आतंकी मारे गए हैं। उधर इस छापेमारी अभियान के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई। इस बारे में इजरायल की तरफ से भी जानकारी मुहैया कराई गई है। बुधवार से अब तक कम से कम 12 फिलिस्तीनी इजरायली सेना द्वारा मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ऑपरेटिव हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक के कई शहरों में एक साथ छापे मारे गए हैं। शुक्रवार के दिन सैनिकों ने जेनिन शहर और उसके शरणार्थी शिविर पर अपना अभियान केंद्रित कर दिया है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर किए गए घातक हमले के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है, जिसके बाद गाजा पट्टी में युद्ध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कम 637 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में फिलिस्तीनी हमलों या सेना के अभियानों के दौरान सैनिकों सहित 20 इजरायली मारे गए हैं। शनिवार को जेनिन की यात्रा के दौरान इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि इजरायली बलों का आतंकवाद को अपना सिर उठाने देने का कोई इरादा नहीं है, ताकि इजरायल को किसी तरह का खतरा हो। इसलिए पहल यह है कि हम शहर दर शहर शरणार्थी शिविर जाएं। खुफिया जानकारी के साथ बहुत अच्छी परिचालन क्षमताओं के साथ बहुत मजबूत हवाई खुफिया घेरे के साथ हम इस तरह से इजरायल के नागरिकों की रक्षा करेंगे। बुधवार से अब तक मारे गए 22 फिलिस्तीनियों में से हमास और उसके सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि कम से कम 14 उनके हथियारबंद विंग के सदस्य थे। शनिवार को इससे पहले हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके लड़ाकों में से एक ने जेनिक शरणार्थी शिविर में एक अत्यधिक विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके घात लगाकर हमला किया, जिसके कारण आगे बढ़ रहे इजरायली सुरक्षा बल सदस्य मारे गए और घायल हो गए।